गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में आप सभी ने आदि कवि वाल्मीकि पाठ का प्रथम एवं द्वितीय गद्यांश का अनुवाद पढ़ा था। आज आप लोग उसी के आगे का अर्थात तृतीय चतुर्थ गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। पूर्व प्रसंग में आपने देखा कि कैसे वाल्मीकि जी जो हैं लूटपाट करते हैं और अपने लूटपाट किए हुए धन, लिए हुए धन का सिद्धन से अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। संयोग से एक दिन कुछ ऋषि मार्ग से निकलते हैं और उनको रोक करके अग्नि शर्मा जो वाल्मीकि जी का पूर्व नाम है, वो जो है उनको रोक करके उनसे कहते हैं कि जो कुछ भी तुम सबके पास हो वो हमें दे दो। उनमें से एक श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये लूट मार किसके लिए करते हो? इस लूटे हुए धन का क्या करते हो? इस पर अग्नि शर्मा उत्तर देता है कि मैं इस लूटे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इस पर वो मुनि बोले कि ठीक है, ये तुम लूटपाट करते हो अपने परिवार के लिए, तो ऐसा है, ये बताओ क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे सहयोगी होंगे, भागीदार होंगे? तो इस पर अग्नि शर्मा बोलता है कि अरे हम ये बात कैसे यार तुम ऐसे बता सकते हैं, तुम्हें ये बात मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, उनसे पूछने जाना पड़ेगा मुझे, पूछूंगा तभी बता पाऊंगा। इस पर वो श्रेष्ठ मुनि कहते हैं ठीक है, तुम जाओ पूछाओ, तब तक मुझे इस पेड़ से बांध दो। अनिल शर्मा जो है उन मुनि को पेड़ से रस्सी के द्वारा बांध देता है और कहता है तब तक तुम यहीं ठहरना जब तक मैं अपने घर वालों से पूछ करके वापस ना आ जाऊं। फिर जब वो वापस आता है उसके ही बारे में ये आगे का प्रसंग आप लोग इस गद्यांश में पढ़ेंगे कि जब पूछकर अग्नि शर्मा आता है और वो बताता है अपने परिवार के लोगों की बातें। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुक्कुपुहुरु ऊचुश्च कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवे। इसके पश्चात तस्य कुटुंबिना, उसके कुटुंबी, तस्य प्रश्नम सुत्वा, उसके प्रश्न को सुन करके
अर्थात वाल्मीकि जी के प्रश्नों को सुन करके अग्निशर्मा, जो अग्निशर्मा है उनका पूर्ण नाम, उनकी उनके प्रश्नों को सुनकर भृजम अत्यधिक चुकुपु में क्रोधित हुए, ऊचुश्च और बोले, कथम वयम तव पाप कर्मणि सह भागिनो भवेम। हम सब क्यों तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी हुए? वयम किम जानी मह, तुम किम करोसी, कया वा रीत्या धनार्जनम विदधासी। हम सब क्या जाने, वयम किम जानी मह, हम सब क्या जाने, तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो, कया वा रीत्या धनार्जनम विदधासी, और किस रीति से धन का अर्जन करते हो। नास्मा भी तम पाप कर्म कर तुम आदिष्टा, न हम सब तुमको पाप कर्म का करने के लिए आदेश दिया है, न हम सभी ने तुमको पाप कर्म करने का आदेश दिया है। तेसाम स्वपरिवार जनानाम उत्तरमा करने सो अतीव विशेषण अभवत। तेसाम उन अपने परिवार जनों के उत्तर को सुन करके वह अग्निशर्मा अत्यंत विषश्रो अभवत, अत्यंत दुखी हुआ। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य सर्वम च तत्परिवार जनाख्यातम आख्यातम असावभासत। शीघ्र मुनिवरम उपगम्य, शीघ्रता से मुनिवर के पास जा करके, और सर्वम च और सारी बातें तत्परिवार जनाख्यातम, उस परिवारजनों की बातों को उससे अथा उस मुनि से आभासत कहा। परम निशश्रम परम निर्वीणम, सॉरी बच्चों, परम निर्वीणम तम मुनि तस्य हृदय शोकम शोक शमनाय राम इति जप्तुम उपनिषत। अत्यधिक दुखी हुए निर्वीणम, अत्यधिक दुखी हुए तम मुनि, उसको अथा उस अग्निशर्मा को मुनि ने तस्य हृदय शोक शमनाय, उसके हृदय के शोक शमन के लिए अर्थात उसके हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम ऐसा जब तुम उपादिशत जाप करने के लिए उपदेश दिया या कहा। राम इति समुच्चारणे अक्षमा स्ववृत्ति अनुसारम मरा इत्येव जब तुम आरभत। राम ऐसा उच्चारण करने में असमर्थ, स्ववृत्ति अनुसारम अपनी वृत्ति के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार मरा ऐसा नाम जपना प्रारंभ कर दिया। इत्थमसौ इस प्रकार उसने बहुवर्षाण यावत समाधव लीना तीव्रम तपश्चार। इस प्रकार वह बहुवर्षाणि बहुत वर्षों तक यावत तक समाधौ लीना समाधि में लीन तीव्रम तपश्चार। तीव्र अर्थात अत्यधिक तपस्या की, तपस्या किया। तपस्रतस्य शरीरम वाल्मीकि मृतिका भी आवृतम जातम। तपसी तपस्या में, रतस्य रत तपस्या में रत उसका शरीर अर्थात उस अग्निशर्मा का शरीर वाल्मीकि मृतिका भी दीमक की मिट्टी से आवृतम जातम, ढक गया, आवृतम ढक जातम गया। अत कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात वाल्मीकि मृतिका परिश्राविता अभवन। इसके पश्चात कदाचित कभी प्रचेतस के द्वारा अर्थात वरुण देवता के द्वारा
निरंतर जल धारया, निरंतर जल धारा से तस्य शरीरात, उसके शरीर से वाल्मीकि मृत्तिका दीमक की मिट्टी, वाल्मीकि दीमक मृत्तिका मिट्टी, दीमक की मिट्टी परिश्राविता अभवन बह गई, परिश्राविता बह अभवन गई बह गई। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम, मृत्तिका भी तिरोहितम मिट्टी से ढका हुआ उसका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनि भी सह संस्तुतो अभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मील्यो उदतिष्ठत, तब मुनियों के द्वारा संस्तुत स्तुति करने और अभ्यर्थना करने पर चक्षुषी आंखें खोलकर उदतिष्ठत उठ खड़ा हुआ। वाल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद वाल्मीकि रीति, वाल्मीकि से अर्थात वाल्मीकि से अर्थात कहने का मतलब है, वाल्मीकि का तात्पर्य है दीमक, दीमक से प्रोद्भूतत्वाद उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि इति, वाल्मीकि रीति वाल्मीकि ऐसा नाम पड़ा। प्रचेतसा जलधारया मृतिकाया परिश्रुतत्वाद प्रचेतस इति तस्य नामद्वयम् जातम्। प्रचेतसा प्रचेतस के द्वारा अथवा वरुण देवता के द्वारा जलधारया उनकी जलधारा से मृतिकाया मिट्टी बह जाने के कारण मृतिकाया परिश्रुतत्वाद मिट्टी के बह जाने से प्राचेतस इति तस्य नामद्वयम् जातम्। प्राचेतस ऐसे तस्य माने उसके अर्थात उस अग्नि शर्मा के नामद्वयम् जातम्, उसके दो नाम हो गए। रामायणे मुनिना स्वपितूनां प्रचेताः तस्य दशमः पुत्रो अहम् अहमित्यम् उल्लिलेखे, रामायण में मुनि ने मुनि के द्वारा स्वपितूनां अपने पिता का नाम प्रचेता तस्य दशमः पुत्रा पुत्रो उनका दसवां पुत्र, तस्य दशमः पुत्रो उनका दसवां पुत्र अहम् मैं, उनका दसवां पुत्र मैं इत्यम इस प्रकार उल्लेख है, इस प्रकार का उल्लेख किया है। यथाचा और जैसे इस प्रकार उत्तरकांड में प्रचेतसो अहम् दशमः पुत्रो राघवनंदन, हे राघवनंदन प्रचेतसो अहम् दशमः पुत्रो, प्रचेतस का मैं दसवां पुत्र हूँ। चौथा गद्यांश देखें बच्चों। अत कदाचित सह ब्रह्मर्षे नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याण करकम वृत्तम शुश्राव, इसके पश्चात कभी सह ब्रह्मर्षे वो ब्रह्मर्षे ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो रामस्य भगवान राम का लोक कल्याण करकम लोक कल्याणकारी वृत्तम चरित्र शुश्राव सुना। कहते हैं इसके पश्चात कभी सह वो अग्नि शर्मा ब्रह्मर्षि नारदात ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो रामस्य भगवान राम के राम का लोक कल्याणकारी वृत्तम शुश्राव वृत्तांत सुना। यहाँ तो वाल्मीकि नाम हो गया है, वाल्मीकि जी ने राम का लोक कल्याणकारी चरित्र नारद से सुना। तदा प्रवृत्तेव रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुकम कर्तुम आकांक्षते स्म, तदा प्रवृत्तेव तभी से लेकर रामचरितम रामचरित को काव्यबद्धम काव्यबद्ध करने के लिए कर्तुम आकांक्षते स्म करने के लिए या करने की आकांक्षा
की करने की इच्छा की थी कि अत एकदा महर्षि मध्यान्दिन सवनाय प्रयाग मंडलांतर्गता तमसा नदीम गच्छन् आसीत्। अत एकदा, इसके पश्चात एक बार महर्षि माध्यान्दिन सवनाय अर्थात दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडलांतर्गताम प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी को गच्छन् गए हुए आसीत थे, तमसा नदी पर गए हुए थे। तत्र वनश्रियम निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छंदम विचरत क्रौंच मिथुनम एकम पश्यत। तत्र वहाँ वनश्रियम निरीक्षमाणो, वन की शोभा को देखते हुए महामुनि स्वच्छंदम विचरत, स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले क्रौंच मिथुनम एकम क्रौंच मिथुनम अपश्यत, एक क्रौंच मिथुन को अर्थात क्रौंच जोड़े को अपश्यत देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित पाप निश्चयो व्याधा तस्मान मिथुनादेकम बाणेन विजघान। पश्यत एव तस्य, उनके देखते ही कश्चित कोई पाप निश्चय पाप का निश्चयी व्याधा तस्मान मिथुनादेकम अर्थात व्याधा ने बह लिया, तस्मान मिथुनादेकम उस जोड़े में से एक को बाणेन विजघान, बाण से मार दिया, मार गिराया। बाणेन विद्धम महीतले लुंठंतम शोड़ित परीतांगम तम विलोक्य क्रौंची करुणया गिरारुराव। बाणेन विद्धम, बाण से विद्ध जाने पर था, बाण से घायल हो जाने पर महीतले लुंठंतम महीतल पर लेटते हुए परितांगम शोणित मने रक्त से भरे हुए अंगों वाले उस पक्षी को विलोक के देख करके करुणया गिरा, करुणमयी वाणी में रोने लगी। क्रौंची जो थी वो करुणवाणी में रोने लगी। क्रौंचिया करुण रवम श्रावम श्रावम मुनि हृदय लीना शोका नला परिद्रुता करुण रसा श्लोकच्छलाद हृदयाद एव निर्गतो अभवत। क्रौंचिया करुणारवम, क्रौंची के अच्छा जो मादा क्रौंची थी उसके करुण रव को, करुण स्वर को श्रावण श्रावण सुन सुन कर हृदय लीना मुनि के हृदय में छिपा हुआ शोकानल शोक की अग्नि परिदुतः पिघल कर करुण रस वाले श्लोक के बहाने से हृदयाद एवं हृदय से एवं इस प्रकार निर्गतो अभवत, इस प्रकार निकल पड़ी, फूट पड़ी। मानसात प्रतिष्ठां तम गमा शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम शाश्वती समा, शाश्वती चिरकाल तक स्थिर रहने वाली, चिरकाल तक 100 वर्षों तक रहने वाली प्रतिष्ठा को सम्मान को मां अगमा, तुम मां गमा, तुम नहीं प्राप्त हो, तुम अगमा, तुम मत
तुम ना प्राप्त करो, तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। 100 वर्षों तक प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा को तुम नहीं प्राप्त करोगे। हे निषाद, तुम 100 वर्ष तक चिर स्थायी रहने वाली प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे। यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, जो तुमने काम से मोहित क्रौंच मिथुनाद क्रौंच जोड़े में से एक को मार दिया है, एक का तुमने वध कर दिया है, इसलिए तुम 100 वर्ष तक चिरकाल तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे, सम्मान नहीं पाओगे। इस प्रकार के अनुष्टुप छंद में महाकवि वाल्मीकि के मुख से ये वाणी निकल पड़ी और यहीं से रामायण की शुरुआत हो गई। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अंतर्गत एक गद्यांश रह गया है जिसको हम अगली कक्षा में आपको पूरा कराएंगे और इससे संबंधित जो भी गृह कार्य होगा वो हम आपको देंगे। धन्यवाद बच्चों।